हाँ, इसमें हर एक पोम का एक डिफरेंट मैसेज है, एंड आप जितनी बार ये पोम्स पढ़ेंगे आपको उतनी बार एक डिफरेंट मैसेज आपके सामने दिखेगा। एंड हाँ, तो लिखना तो ऐसे हो गया जैसे सांस लेना होता है मेरे लिए। अब क्लास तुसी पढ़ते हो, इतनी छोटी उम्र च शौक पै गया लिखन दा, लोगों को अपने लफ्जों के थ्रू भावनाएं फील करवाने के लिए, तो फिर एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो हो ही जाता है थ्रू। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो होगी कि इश्क, मोहब्बत, प्यार के बारे में लिखी होगी, कि मैं कविताओं को, पोएट्री को एक पूरा एक न्यू दायरा दूं, ऑब्जर्व करते हुए कि कैसे हमारे सोसाइटी के वो आदमी अपने आप को फंक्शन करते हैं, एंड कैसे अपने सारे भावनाओं को अपनी आंखों के पीछे बस छुपा के रखते हैं। सीखण दी कोई उम्र नहीं होंदी, पर जे लिखण दी गल कीती जावे तां लिखदा बंदा उदों आ जदों मन च कोई चाह होवे। किताब देख रहे हो तुसीं, डार्क ट्यूलिप जो लिखी आ 10th विच पढ़न वाली कुड़ी निशादा लुथरा ने। सो गल करदे हो, तुहानूं मिलाने आउणा निताशा नाल। सो निताशा, तुसीं उम्र तुहाडी बहुत छोटी है, इस उम्र तुसीं लिखणा शुरू कर? हाँ जी, एक्चुअली मैंने लिखना तो शुरू 7 साल की उम्र से किया था। हाँ जी, एंड मैंने पहली बार एक शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, उसके बाद फिर मैंने थिएटर क्लासेस करी, एंड फिर मैंने नाटक लिखना शुरू किया, एंड पिछले साल मैंने एक बुक पब्लिश की थी व्हिच वाज फ्लावर्स इन हर रूम, एंड वो 5 नाटक थे उसमें। इस बार कविताएँ लिखने की कोशिश करी है, एंड हाँ, तो लिखना तो ऐसे हो गया जैसे सांस लेना होता है मेरे लिए अब। तो 10th क्लास च तुसी पढ़दे हो, इतनी छोटी उम्र च शौक पै गया लिखण दा? हाँ, वही बात है कि अगर एक कलाकार हो आप अंदर से, एंड कोई चाह है दुनिया में अपना काम दिखाने के लिए, लोगों को अपने लफ्ज़ों के थ्रू भावनाएं फील करवाने के लिए, तो फिर एज इज जस्ट अ नंबर, तो वो हो ही जाता है थ्रू। एज जस्ट नंबर, जो सच तुसी कर दिखाया, ये गल की जाए तो इस तुसी पोएम लिखिया ने जो समाज दी वख वख कृतियां नू दर्शांदियां, ये विचार कित्थों आया? समाज की बातें मेरे को इशू को एड्रेस करना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा, बिकॉज जब भी हम कोई हमें बताता है कि इसने कविता लिखी है, तो फर्स्ट थिंग जो हमारे दिमाग में आती है वो होगी कि इश्क, मोहब्बत, प्यार के बारे में लिखी होगी, एंड कविता को हमेशा ग्लोरीफाई किया जाता है रोमांटिसिज्म से। तो फिर मेरा वही एक गोल था कि मैं कविताओं को, पोएट्री को एक पूरा एक न्यू दायरा दूं, एक न्यू होराइज़न दूं, जो जैसे हमारे काफ़ी पूर्वज पोएट्स ने भी किया है अपने काम के थ्रू, जैसे WB Yeats, रविंद्रनाथ टैगोर और WB Yeats ने कोलैबोरेट करके आयरिश एंड इंडियन कल्चर्स को, डाइवर्सिटी को कैसे प्रेजेंट किया था। तो वो मेरी बिगेस्ट इंस्पिरेशन थी, एंड मेरे को बहुत ज़रूरी लगा कि स्ट्रगल्स ऑफ मैनहुड जैसे एक ऐसा टॉपिक है कोई भी एड्रेस नहीं करता है आजकल, बहुत कम लोग एड्रेस करते हैं, एंड खुद एक गर्ल होने के नाते मेरे को खुद नहीं पता था, एंड बस जस्ट ऑब्जर्व करते हुए कि कैसे हमारे सोसाइटी के आदमी अपने आप को फंक्शन करते हैं, एंड कैसे अपने सारे भावनाओं को अपनी आँखों के पीछे बस छुपा के रखते हैं, चाहे खुशी हो, चाहे रोना हो, चाहे गुस्सा हो, तो मेरे को वो काफ़ी उदास सा बात लगी कि कोई खुल के रो भी नहीं सकता, कोई खुल के हंस भी नहीं सकता, तो वो जीना जीना ही क्या जिसमें आप कुछ फील ही नहीं कर रहे हैं। तो मैंने वैसे टॉपिक स्ट्रगल्स ऑफ मैनहुड भी एड्रेस करे हैं, तो मेरे को बहुत ज़रूरी लगा कि ऐसी चीज़ें मैं एड्रेस करूँ। एक चीज़ तो दसती, पर ये 33 पोइमा ने, वो होर कि टॉपिक है जो छूए हैं, क्योंकि तुम गल कर रहे हो भी लोग प्यार मुहब्बत लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोचते, पर तुम बिल्कुल डिफरेंट। हाँ, इसमें हर एक पोम का एक डिफरेंट मैसेज है, एंड आप जितनी बार ये पोम्स पढ़ेंगे आपको उतनी बार एक डिफरेंट मैसेज आपके सामने दिखेगा। तो जैसे मैंने अभी बोला, स्ट्रगल्स ऑफ मैनहुड है एक इशू, इसमें स्ट्रगल्स ऑफ वुमनहुड है, LGBTQ कम्युनिटीज़ है हमारी, रशियन यूक्रेनियन वॉर है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, जैसे आप ये माने या ना माने, सोशल इशू हो या ना हो, बट सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरी आंखों में वो है जब आप आईने में देखते हैं और अपनी रूह को देख के ही आपको गिन आती है, तो वो जो फीलिंग होती है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, होपफुली अच्छे से डिस्क्राइब किया है इस फॉर्म में। बहुत खूबसूरत तुसी कह रहे हो, रशिया ते यूक्रेन की जो जंग लगी उसके बारे किवें लिख लिया, वो कितों विचार है, क्योंकि तुहाडी उम्र तो एडी है? वही बात है, जब ये न्यूज़ में बहुत सब कुछ आने लगा, अखबारों में, आर्टिकल्स में, चैनल्स पर, रेडियो पर, तो मेरा एक इंटरेस्ट सा इग्नाइट हो गया इसमें कि ये है क्या जो इतना पूरे दुनिया को हिलाया हुआ इस चीज़ ने। तो उसके बाद मैं डीप रिसर्च मोड में गई, मैंने देखा कि क्या क्या हो रहा है, तो मैंने काफ़ी डिफरेंट एंगल से एड्रेस किया इस इशू को। जैसे एक राइटर होता है, हमेशा
जो भी कुछ नॉर्मल चीज़ चल रही होती है उसको बिल्कुल ही एक अतरंगी वे में सोचना सिर्फ एक राइटर की अच्छा सच्चा राइटर कर सकता है। तो मैंने इस किताब में एक पोम लिखी है जो वोल्डेमार पुतिन ने वोल्डेमार ज़ेलेंस्की को एक लव लेटर लिखा है, एंड उस लव लेटर में एक कविता है जो आपको एक बार पढ़ोगे तो मोहब्बत के बारे में ही लगेगी, दूसरी बार पढ़ेंगे तो इतने सारे आपको मैसेजेस उसमें स्कैटर्ड दिखेंगे, एंड वो जो पुतिन ने लेटर भेजा है ज़ेलेंस्की को वो एक सिंपल सा मैसेज है कि संभल के रहिए, अभी बहुत सब कुछ आ रहा है आपके पास। एंड हर ऐसी इसमें लाइंस भी हैं जो जो सिटीजन हैं रशियन एंड यूक्रेनियन उनके माइंड पे ये क्या इफ़ेक्ट डाल रहा है, बच्चे औरत आदमी हो सबको अपने घर वगैरह छोड़ के जाना कैसे एक डीप इम्पैक्ट छोड़ जाता है हमारी रूह पे, तो वो सब मैंने एड्रेस किया। सो बहुत खूबसूरत लिखा, तुम गल्ला भी कर रहे हो, कदे परिवार ने नहीं कुछ किया कि उम्र केड़ी है, इस उम्र च तां बच्चे फोन ही नहीं छड़दे हैगे, तुसी किताब? अरे मेरे परिवार ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इसमें, क्योंकि मेरी माँ एक खुद एक आर्टिस्ट हैं, एंड मेरे डैड हमेशा हम दोनों को इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों में, एंड उन दोनों ने ही मेरे को एक ये राह दिखाई राइटिंग की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दो क्या एक भी बुक होगी, तो मैंने जब नाटक लिखे तो मैंने वो काफ़ी छोड़ दिए थे पीछे, मैं भूल गई थी कि मैंने लिखे थे, तो उन्होंने कहा कि याद है वो नाटक जो लिखे थे उन्हें इकट्ठा करो, एडिट करो, कंपाइल करो, एंड फिर उसे एक बुक के ज़रिए पूरी दुनिया को अपना काम अपनी भावनाएं दिखाओ कि कैसे सोचते हैं हम, तो उनके बिना तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे नाम में दो बुक्स होंगी। दो बुक्स नाम तो होंगी, थोड़ा फेवरेट राइटर कौन है? मेरा फेवरेट राइटर इज़ एडगर एलन पो, वो बहुत ही खूबसूरती से सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं अपनी कविताओं में, अगर वो किसी की आंखों का इमोशन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं बस पढ़ते पढ़ते, एंड वो ऐसी लाइंस ऐसे वर्ड्स ऐसे फ्रेजेस यूज़ करते हैं जो आप एक दिन पढ़ें एंड पूरे नेक्स्ट हफ्ते तक आपके दिमाग में वही चलती रहेंगी कि इसका मतलब क्या था आखिर, तो मेरे वो फेवरेट हैं। काशा एक सवाल मैं पूछता बहुत अहम है, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਖੇਡਣਾ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੋ ਕੇ ਆਸ ਪਾਸ ਸੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਈਟਰ ਕਿਆ ਡਾਂਸਰ ਸਿੰਗਰ ਐਕਟਰ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇਨ ਸਭ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਮੋਟਿਵ ਹੋਤਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕਿ ਕੁਛ ਹਟ ਕੇ ਕਰਨਾ, कुछ ऐसा करना जो रूह को टच कर जाए, जो भावनाओं को ऐसे पेश करे लोगों के सामने कि रोना हंसना गाना गुस्सा अपने आप ही निकले, लोगों को समझ ही ना आए कि क्या चल रहा है। तो वही बात है, अपने आप को एक अलग छाप छोड़ना अपनी दुनिया इस दुनिया में जब आप जाएंगे यहाँ से, क्योंकि सिंपल ऑर्डिनरी लाइफ तो सभी जीते हैं। सो लास्ट जाते जाते आम लोगों को किस नहीं हाँ? सॉरी मैसेज माई मैसेज टू द ऑडियंस लार्ज कि आप जो भी कर रहे हैं ऐसे जुनून ऐसे पैशन के साथ करिए कि आपका काम कुछ भी हो चाहे जो भी देखे अंदर से महसूस करके देखे एंड पता चले आपकी आर्ट में सच्चाई है एंड वो सब एक झूठ नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सो निकाशा मित्रा ने जो उम्र चताई छोटे ने पर दो किताबा लिख चुके ने समाज के वक् वर्गों दिखाते हुए वो आवाज़ा चक्किया ने जिन्हों वाल कोई सोचता भी नहीं। चंडीगढ़ तो कैमरा परसन काशदीप के नाल रवि जखू।